सो गाइस, जैसे ही आप अगाटी बीच से बाहर आओगे और अगर आपको कोई स्पोर्ट्स नहीं करना है लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट्स, तो आप यहां से वेलकम टू अगाटी बीच ऑटो स्टैंड। ये ये जस्ट आपको बीच से बाहर ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप 1 आवर ट्रिप के लिए 700 में ऑटो बुक कर सकते हैं और ये आपको लगून बीच, फिश हैचरी, एयरपोर्ट, अंडम बीच एंड जीजे म्यूजियम, ये 5-6 जगह घुमाया जाता है। 4 लोग रूम नंबर 310 और 3110। तो गाइस, हम बैठ गए ऑटो में और अब जा रहे हैं अपने साइट सीइंग के लिए, जो हमको 5-6 जगह जाना है। और यहाँ का एक रूल है कि आपको पर आवर, मतलब ये 700 कुछ वहाँ पे लिखा हुआ, उतने में बुक होता है और हर स्पॉट पे आपको 15-15 मिनट मिलेगा स्पेंड करने के लिए। अगर उसके बाद ज़्यादा होता है तो 15 मिनट्स का 175 रुपीज़ चार्ज है। तो ऐसा है यहाँ का हिसाब किताब। तो अभी हम जा रहे हैं, अब जब हम फर्स्ट लोकेशन पे जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ आपको दिखाते हैं क्या है और उसके बाद फिर हम वापस आके यहाँ देखेंगे और क्या किया जा सकता है। तो चलते हैं जल्दी से अपनी सारी लोकेशंस पे। तो गाइस, हम आ गए अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि हमारे उस बीच से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था और इस बीच का नाम है लगून बीच। और ये देखिए आप लोग, और वाटर देखो क्या क्लियर वाटर है यहाँ पे, हर जगह। प्रियंका वहाँ देखो, की ज़रूरत है यार बाहर जाके, यहाँ सच में बीच तो एक नंबर है। और मतलब लाइफ में मैं गोवा भी गया, कई जगह देखा, बट ये बीच की बात ही ना कुछ अलग है भाई। ये देखो आप लोग भी, तो हमारी ये लोकेशन तो हो गई लगून बीच। भैया अब कहाँ जा रहे हैं हम, अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है उनको, नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो उनको पता है हमें कहाँ कहाँ लेके जाना है, तो वहाँ हम जाएंगे। और यहाँ से देखो मरीन ड्राइव जैसा मज़ा, बंगार पैलेस, बंगार गार्डन। अच्छा, बंगार है, बंगार। तो गाइज, यहाँ पे भी हम आ गए और ये है अगाटी एयरपोर्ट, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं दिखाता हूँ पहले। बट यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है यार। तो हर जगह यहाँ पे आपको लक्षद्वीप में ना बीच घूमने मिल जाएगा, वाइट सैंड के साथ कुछ ऐसी। और सामने यहाँ पे फिर से आपको दिख जाएगा एक सी। तो अंदर तो जाने मिल नहीं रहा, तो मैं जाता हूँ बाहर। तो प्रियंका लोग वहाँ पे ही फ़ोटो ले रहे हैं, बट मुझे फ़ोटो नहीं लेना, मैं जाके यहाँ से थोड़ा साइड से देखेगा कैसा दिखता है और साइड सीन करेगा। बट इतना साफ बीचेस हैं यार, पानी इतना ज़्यादा क्लियर, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और ऐसा है कुछ एयरपोर्ट, सब कुछ क्लीन एकदम, वाटर देखो यहाँ पे। एकदम मस्त क्लियर। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे बाकी जगह घूमो। यहाँ पे मोदी जी का एक कटआउट भी लगा था जो प्रियंका को देखना था, बट पता चला कि वो कटआउट जब वो आए थे उसी टाइम लगा था, उसके बाद निकाल दिया गया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, इन लोग ले रहे हैं फ़ोटो, हम भी जाते हैं थोड़ी सी 1-2 फ़ोटो ले लें और चलते हैं क्या करना है। तो कुछ ऐसा है, चलो। और आपको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ऑटो मिल जाएंगी, सबसे बढ़िया। जबलपुर की याद आ रही है, आपे की आवाज़ इतने दिनों बाद मैं सुनाऊँ। सेम ऐसे ही मैं कहाँ जबलपुर में सुनता रहता था, पुणे में इतना नहीं सुनने मिलता, बट यहाँ पे मिल रहा है। फोटो भी जा रहा है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे कहाँ चलना है उड़ के? जबलपुर आएंगे उड़ के, कभी आएंगे उड़ के, खिंचवा लेते हैं। तो चलो हम भी 1-2 फोटो खिंचवा लें यहाँ पे और फिर देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना, वहाँ मिलते हैं। आपको हिंदी आती है? हिंदी
मलयालम आती और इंग्लिश हिंदी, मतलब मलयालम मेन है जो आपको आती है, हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी वो थी ये। सो आप जैसे अंदर आएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवाइए हर बीच में। और जितने भी हमारे क्रूज़ के सारे लोग हैं ना, सब एक एक करके ऐसी ऑटो में भर भर के आ रहे हैं और सब यहाँ फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं। इतनी दूर से यहाँ पे झूला झूलने आई है। पर एक लोकेशन और है जहाँ मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, तो बस उसके बाद मैं भी जाता हूँ और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाता हूँ और फिर चलते हैं। लास्ट जो हमारा है एक प्लेस जो हमें घूमना है वो है जीजे म्यूज़ियम, तो उसको और घूमेंगे। और हर जगह यहाँ तो बस देख के ना आँखों को इतनी शांति मिल रही है कि दिन भर यहाँ बैठे रहो देखो जा रहा। तो गाइस, हमने भी ढेर सारी यहाँ फ़ोटो ले ली और अब मज़ा लिया जा रहा है इस झूले का, जब तक क्योंकि इन लोगों को कुछ और फ़ोटो लेना है। पर सब लोग ना इस एक फ़ोटो का स्पॉट टाइप का है, यहाँ पे हर कोई फ़ोटो ले रहा है, तो मैंने सोचा जब तक इस झूले का मज़ा लिया जाए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना एक दो घंटे नींद भी ले ली जाए, इतनी धूप है लेकिन उसके बाद भी इतने सारे पेड़ हैं ना यार, नारियल, इतना मज़ा आ रहा है। तो इतने सारे मज़े ना आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, भाई ज़रूर आओ, लक्षद्वीप मस्ट है घूमने। क्रूज़ से आना है तो क्रूज़ से आओ, और क्रूज़ से आओगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट है यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। तो गाइस, आ गए हम उसी म्यूज़ियम में जिसका हम वेट कर रहे थे, चलो देखते हैं क्या क्या है इस म्यूज़ियम के अंदर। बटिए तब भी ठीक है, घूमना चाहिए। इधर कुछ कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। दिस इज लाबो आर्क। अरे छूए नहीं है ऐसे कुछ भी, मना कर रहा है। समझ में आ रहा था, बट एक चीज़ मुझे समझ में आई जो यहाँ पे वो रहती है, पुराने ज़माने की चक्की, इसमें आटा पीसा जाता है, यहाँ पे फंसा दिया जाता है इस जगह पे, जिससे इसको घुमाया जाएगा और यहाँ से गेहूँ डाला जाता है। और ये चक्की, ये मेरी नानी के यहाँ भी थी, तो इसको कोई ग्रेनाइट ग्राइंडर, ये क्या है भाई, अम्मी स्टोन हिस्टोरिक, ये नहीं पता ये किस चीज़ के लिए। ये कलम फेट्टी लिखा हुआ है कुछ इसमें, हाँ वुडन बॉक्स कुछ 4 लैक्स, कुछ ऐसी कैश बॉक्स है, कुछ यहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स बना के रखी गई है, यही सारी। कैसा लगा तुम्हें ये म्यूज़ियम? नहीं, ये चीज़ अच्छी है जो उन लोगों ने आगाती से कलेक्ट करी है ना, मतलब जो धूल के निकाली है ज़मीन के अंदर से, जैसे वो देखो लास्ट वाला बॉक्स पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ जो हैमर है और ये जो चिराग टाइप का है ये भी वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें खुद के निकाली है भाई, तो ऐसा है ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ना खुदाई में निकाली गई है। किधर आओ, ये देखा तुमने कि आटा चक्की? पर ये आटा चक्की भी कहीं से मिला होगा, बट ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा म्यूज़ियम है, छोटा सा है और थोड़ा सा मेंटेन बाद में और हो जाएगा, मोदी जी की नज़र है यहाँ पे, तो बाद में ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। और ये देखो मेटल सॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से निकली गई हैं। और ये आप लोगों ने देखा ये क्या है, ये कुएं में वो फंसाई जाती हैं जो उससे अपन खींचते हैं पानी, ये वो सारी है टॉम स्टोन। तो पता नहीं भाई ये कहाँ कहाँ से क्या क्या निकला, बट ठीक है जो भी है, तो चलते हैं बाहर और देखते हैं अब क्या है। अब हमें वापस जाना है अपने अगाटी बीच पे और वहाँ से हम वापस जाएंगे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार। सुबह सारी एक्टिविटीज़ हो गई, हमने एक्टिविटीज़ तो कुछ नहीं किया, सिर्फ ना घूमा है, तो घूमने के बाद फ़ोटो लेके अभी बज गए कितने 3:15 और अब हम जा रहे हैं वापस। सो यही था छोटा सा, मैंने सोचा लक्षद्वीप में बहुत सारी ऐसी ना मतलब रोड और बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आइलैंड है जैसा प्रियंका ने अभी मुझे बताया, मेरे को पता ही नहीं था, बट मज़ा आ गया घूमने में। अब हम जा रहे हैं वापस अपने शिप में, तो मिलते हैं शिप में पहुँच के, है ना।
सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में, शिप के अंदर आए। इतना ज़्यादा गर्मी था ना यार बाहर, मतलब क्या बोलूँ, लेकिन अंदर आके इतना अच्छा लग रहा है। सो फाइनली यही था हमारे लक्षद्वीप का ब्लॉग, जो कि मैंने एक पूरा ब्लॉग ही इसके लिए कवर किया। एंड आई होप, देखिए ज़्यादा इस ब्लॉग में ऐसा कुछ दिखाने को नहीं था, बट जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है वो है बीचेस, और सारे बीच इतने क्लीन और वाटर तो ना भाई, मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसा मैं मूवीज़ में देखता था ना, सेम वैसे ही वाटर है यहाँ पे। तो ज़रूर जो भी यहाँ नहीं आया है ना कभी, तो एक बार प्लीज़ जाओ। बीच को बहुत ज़्यादा लवर होते हैं बीचेस के, और उनको ना बाहर जाते हैं बीचेस, तो एक बार प्लीज़ डू विज़िट लक्षद्वीप, और यहाँ पे ज़रूर एक बार घूमो और सारे बीचेस को देखो यार। इतना ही, होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको दूसरे लोगों को ही बताओ, कि बाहर जाने की बजाय लोग यहाँ तो पहले घूमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।